पहले आप भाई कमाते थे 40,000 रुपये, 45,000, और मैंने देखा था कि भाई इन्होंने 100 दिन में 1 लाख का चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, जिसमें से इन्होंने शायद 60,000 रुपये करा भी था। अब हम इनसे रियलिटी देखते हैं भाई कि आखिर इन्होंने अब अभी करंट में कितना कमा रहे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, हमारे साथ सुमित राइटर ब्लॉग है, और सुमित भाई जो है हम लोग काफी समय बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 8-9 महीने बाद। सो ये देख रहे हो आप लोग जोमेटो की टी शर्ट पहने हुए, चेयर फॉर इंडिया। हाल फिलहाल कोई भी मैच वैच नहीं चल रहा है, बट भाई का एक साल से ज्यादा हो गया इस टी शर्ट को चलाते हुए। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो सुमित पहनते भी तो बहुत कम है। हाँ, इसकी जो सुमित की हेल्थ थोड़ी ठीक लग रही है, आपको देख रहे होंगे। और हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे लेट, क्योंकि बता दूँ नहीं तो आप लोग भग जाएंगे वीडियो छोड़ के। सबसे पहले कि जोमेटो में जो पहले था सिचुएशन, क्या वही है क्या? हाँ। जितना ये कमा रहे थे पहले 30,000 तक ऑन एन एवरेज, 25,000 से 30,000 महीना, क्या उतना ही अभी कमा रहे हैं? वो क्या करेंट स्टेटस है जोमेटो डिलीवरी बॉयज का? तो विदाउट एनी डिले चलिए फिर शुरू कर। तो सुमित भाई, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो पहले काम था और अब में जोमेटो में क्या कुछ फ़र्क आया है? क्या बंदा उतना ही कमाई अब भी कर पा रहा है जितना पहले कर पाता था, या फिर कुछ नया अपडेट से क्या कुछ हो रहा है? अब क्या बंदा अब के समय में 60,000 40,000 महीना कमा सकता है या फिर नहीं कमा सकता है, बताओ। पहली बात तो VS के भाई कोर्सन ही ऐसा करते हैं कि 60,000, भाई 60,000 अभी के टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसी। इससे पहले एक वीडियो VS के भाई ने हमारे साथ में बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि हम 40,000 से 45,000 रुपया कमा लेते थे पहले, लगभग 1 साल पहले की बात है। अब भाई VS के भाई से काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो VS के भाई पूछना चाहते हैं कि सुमित भाई इसमें कितनी चेंजिंग आ गई है। तो मैं इसी के बारे में भाई बात बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जोमेटो डेली के डेली न्यू अपडेट दे रहा है। जो सबसे पहले अपडेट ये आया था सेल्फी को लेकर कि 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी, अब सेल्फी को लेकर ये भी कर दिया है 50 रुपये की पेनल्टी छोड़ो, अगर आप 3 सेल्फी कैंसिल करते हो तो आपका जो इंसेंटिव है वो नहीं मिलेगा। ये पहला अपडेट है। दूसरा ये है कि आप जितना पहले हम 12 घंटे काम करते थे तो 12 घंटे शो करता था, अब क्या दिखा रहा है उसमें कि अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो 12 घंटे नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि उसमें आप जितना टाइम ऑर्डर में जितना टाइम दे रहे हो, जितना टाइम ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, केवल उतना ही टाइम दिखाएगा। पहले तो यही था कि हमको ये दिखता था, और आप लोगों को मैं जब वीडियो बनाता था तो दिखा देता था कि भाई इसमें 12 घंटे मैंने काम किया है। अब भाई मुश्किल हो रहा है कि मैं बता रहा हूँ 12-13 घंटे, तो उसमें दिक्कत ये आ रही है हमारे लिए बताने में कि जो भाई हमारी ऑडियंस है, नए लोग हैं जो जुड़ते हैं आके देखते हैं, वो ये कहते हैं सुमित भाई आपने तो 14 घंटे बताए हैं पर इसमें तो 10 घंटे दिखाई दे रहा है। तो ये कारण ये है कि जितना हम ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं केवल वो ही टाइम जुड़ रहा है। और भी काफ़ी सारे न्यू अपडेट जोमेटो वालों ने दिए हैं, जैसे कहीं पर कस्टमर का वेट करना होता है तो वहाँ पर आपको 15 मिनट वेट करना है, 15 मिनट के बाद में आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो गई अपडेट की बात है, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई की बात है। अब हम आते हैं, ये तो चलती रहेंगी, और कंपनियाँ आए दिन मुझे ऐसा लगता है राइडर्स के खून चूसने के लिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे, क्योंकि जो बंदे पहले आज से 1 साल पहले 2 साल पहले यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते थे या फील्ड में भी एग्जिस्ट करते थे, खास करके फूड डिलीवरी में, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, अन्य कोई भी फील्ड हो, क्योंकि जोमेटो में और ब्लिंकिट में जब से मैं मिला कुछ राइडरों को, देन आई कॉल टू दैम, मैंने उनको फ़ोन किया तो वो बोलते हैं कि सर हमने तो वो जॉब छोड़ दिया। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आप अच्छे से जानते हो कि ये जो फील्ड है ये कंसिस्टेंस नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी अपना फ्यूचर नहीं देखता है, कहीं ना कहीं अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है कुछ, तो कंपनी से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है जिसके वजह से वो इस फील्ड को छोड़ जाते हैं। तो सुमित भाई है ना, अब आप क्या बोलोगे इसमें, अब आप बताओ भाई, क्योंकि आप पिछले लगभग 3 साल कंप्लीट हो गए, लगभग 3 साल हो गए होंगे कंप्लीट। हाँ, 3 साल तो हो गए। तो भाई अब पहले जो थे काम करते थे वो छोड़ गए इस फील्ड को, तो उसके पीछे क्या रीज़न? पहले तो मैं रीज़न नहीं पूछ रहा हूँ, वो हम सबको पता है कि रीज़न क्या है। हाँ, मैं, कि काम नहीं हो रहा है। हाँ, इसका भी कारण हो सकता है। पहला रीज़न तो यही है, डिमोटिवेशन दूसरा रीज़न है, तीसरा रीज़न भाई पैसे जो है ना वो आ नहीं पाता ढंग से। और जो मेन कारण ये भी है कि देखो हमारी वीडियो देख के, आपकी वीडियो देख के, काफ़ी सारे लोगों की वीडियो देख के लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पर ज्वाइन करने से पहले वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसमें हम काम कर रहे हैं ये हमारे लाइफ टाइम के लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, ये नहीं सोचते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं। तो केवल एक ही साल जरा जुनून होता है ना अपनी शरीर को पूरी ताकत दिखाने के लिए, तो एक साल तो बहुत ही मेहनत से करते हैं, और कंपनी जैसे ज्वाइनिंग फ्री भी करा लेती है,
आ जाओ ऐसे डाल दिया। हमने पहले ही वीडियो डाल दी थी कि 2000 रुपया एक दिन में कमाओ, पहले की वीडियो लोग कमेंट अभी भी करते हैं कि भाई हमको ज्वाइन करा दो उस वीडियो पे 2000 एक दिन में। तो भाई ऐसी वीडियो देख के और आप एकदम फील्ड में आ रहे हो तो भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भाई अपना सोच समझ के आओ। हम किसी की वीडियो देख के, जितने भी यूट्यूबर हैं कोई वीडियो बना रहे हैं, वीडियो देख के आओगे तो आपको कुछ भी, आपका करियर है आपका कुछ भी नहीं बनने वाला है, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाए ऐसे समझ लो भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों, मैं तो एक ऐसे भी, आप तो मुझे मान सकते हो कि जैसे BS के भाई हैं हम हैं, तो हम तो भाई एक YouTube के सारे भी रुके हुए हैं। मान लिए जोमेटो ने हमारे लिए 12 घंटे में 600-700 रुपये कमाई, हमने 12 घंटे में 600-700 रुपये कमाए। उसके बाद में हम आप लोगों को दिखा दिए कि भाई इतने इतने कमाए, तो हो सकता है 200-300-400 रुपये हमारे YouTube से आ जाएँ, हमारे तो भाई 1000 हो गए। अब भाई जो केवल इसी में काम कर रहे हैं 12-13 घंटे में 600-700 रुपये कमा रहे हैं, वो भाई कहाँ जाएंगे फिर केवल एक महीना। अब वो काफ़ी सारे लोग भाई फील्ड में ऐसे भी मिले हैं जो भाई कंपनी छोड़ के आए हैं, कहते सुमित भाई मैं आपकी वीडियो देख के आया था। मैंने कहा भाई क्यों आए थे हमारी वीडियो देख के, मैंने तो भाई किसी से नहीं कहा था कि आप जोमेटो ज्वाइन करो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो बहुत ही अच्छा है कि आप मुझे मतलब इतना पसंद कर रहे हो, पर ये मत देखो कि जोमेटो में काम करें, जोमेटो के साथ साथ अपना चैनल बना लो भाई, दो काम करो फिर एक काम क्यों करोगे। तो यही कहना चाहते हैं कि इसमें आपका कोई भी करियर नहीं बनने वाला है, इसमें तो यही है कि अपनी जो लाइफ है 1-2 साल बहुत ही मेहनत से करोगे, इतनी मेहनत से करोगे आप ये सोचो साले, ये हम ये समझ लो ये हम अभी इलूना लेके आए हैं, इसको हम खूब मेहनत से अभी चला रहे हैं कि हमें ये एक महीना या 15 दिन चलाना है केवल, ऐसे समझ लो हमारे अंदर जुनून है, नई नई ज्वाइनिंग हुई है तो हम 1-2 महीने खूब मेहनत से, घर वालों से कह दी भाई हाँ इतना कमा रहे हैं हम, टेंशन मत लेना। अब भाई 1 साल बाद पूछना शरीर की ऐसी कम तैसी, सब मतलब शरीर बोल जाएगा। तो ये इसमें कुछ आपका भाई करियर फरियर नहीं बनने वाला है, आप अपनी सोच समझ के कोई अपना जॉब पकड़ लो, पार्ट टाइम के लिए बेस्ट है भाई, मैं हर बार कहता हूँ। तो भाई सुमित भाई ने जो भी बात बोली होप आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं भी ये बातें आप लोगों को बोलता रहता हूँ, है ना, और अपने ब्लॉग्स में। तो अब सुमित भाई, पहले आप भाई कमाते थे 40,000 रुपये 45,000, और मैंने देखा था कि भाई इन्होंने 100 दिन में 1 लाख का चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, जिसमें से इन्होंने शायद 60,000 रुपये करा भी था, है ना, 55-60,000 रुपये इन्होंने करा भी था। और अभी भी चैलेंज चल रहा है हमारा 1 लाख का चैलेंज, पहले हमने 45,000 का चैलेंज किया था उस समय, लेकिन उस समय जो था सुमित भाई जब चैलेंज चला था तो शायद 30 या 35 दिन में इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, रेगुलर काम करने कंटिन्यू, मैंने ये चैलेंज रख लिया था कि मैं भाई कितनी भी तबीयत खराब हो कुछ हो कंटिन्यू काम करेंगे, तो उसमें ये हालत खराब हो गई, तो जिसके वजह से इनकी हेल्थ डाउन हो गई थी बहुत, अभी तो फिर भी ठीक हो गया, अच्छा खासा दिख रहा है भाई। तो वो चैलेंज करते करते इन्होंने 55-60,000 रुपये कमाया था, और कहीं ना दवाई दारू में कुछ पैसे गए होंगे, है ना, दवाई दारू भी ये तो काम करते ही ना, वो कहने का यार डायलॉग है ये डायलॉग है ना, बंदे को समझा कि हाँ अब जो समझना है ना। तो अब हम इनसे रियलिटी देखते हैं भाई कि आखिर इन्होंने अभी करंट में कितना कमाया। दोस्तों हम आप लोगों को अर्निंग तो दिखा देंगे, पहले इसके बारे में बता देते हैं, ये भाई एक वीक के लिए हमने लिया है इलूना, हमारी बाइक को होंडा सर्विस सेंटर पे जमा है, थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो डेली का हमने पेआउट आप लोगों को दिखा दिया, 16 ऑर्डर कम्प्लीट किए थे, 906 का काम हुआ है, और ये भाई वीकली का देख लो भाई 1800 रुपये का काम हुआ है। अगर हम मंथली की बात करें तो ये देखो भाई 15,907 रुपये, तो ये कंडीशन हो गई है भाई हमारी, क्योंकि हम वो हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सुमित भाई एक एक हफ्ते की छुट्टी भी ले रखे हैं। हाँ एक एक हफ्ते की छुट्टी हो जाती है, और वो ऐसे हो जाती है कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी फैमिली में दिक्कत हो गई, तो कभी ओला उबर रैपिडो में, तो वो भाई सब कुछ ऐसे ही चल। सो होप दोस्तों जो पहले कमाई थी फूड डिलीवरी लाइक जोमेटो और स्विगी में, स्विगी का तो अभी हम कर नहीं रहे तो बात नहीं करेंगे, जोमेटो में स्विगी में हमने नहीं किया है अभी, एक दिन किया था 100 रुपया पर ऑर्डर। हाँ वही किया था मैंने भी ऑलमोस्ट 6 महीना पहले, और उसके बाद मैंने करा नहीं है। अब भी मैं यही वेट करता हूँ कि जब मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा देगा ना स्विगी, तभी ऑनलाइन आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। स्विगी से कोई देख रहा है तो मेरी आईडी पे 100 रुपये पर ऑर्डर इंसेंटिव दो भाई, अगर काम करवाना है तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सुमित भाई कुछ बोल रहे हैं बोलो। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि भाई BS के भाई को और भाई सुमित राइडर ब्लॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो भी भाई नए हैं तो जाके भाई सपोर्ट करो, और BS के भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ भाई, और एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत प्यार इतना है। दिखाते हैं तो कि इतना प्यार दिखाओ, इतना सपोर्ट करो कि भाई वो कम पा जाए ऐसे समझो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट, और भाई सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद। मुझे अगर कोई भी बंदा कमेंट में बताता है ये चीज कि ये है, तो मैं उसके बारे में ना स्पेशल वीडियो बना देता हूँ। हाँ ये बात है, तो उससे अच्छा लगता है उस बंदे को भी कि हाँ भाई बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, सही करता है कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, इसी बात के संग हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय।